तो दोस्तों नीचे जो है तीन फ्रिज आ गए हैं, तीन हमारे नहीं है, इसमें से हमारा एक फ्रिज है। ओए चले इधर मेरे तो बाहर जो है झमाझम बारिश होने लग गई और तो वेदर कुछ ऐसा हो गया, पूरा क्लियर हो गया, देख रहे हो तो। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग वीडियो में। सो मैं आया हूँ 15-20 दिन पहले दिल्ली में, तो मतलब 15-20 दिन हो गए मुझे यहाँ दिल्ली में आए हुए। तो पहाड़ से दिल्ली आते समय मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा। लेकिन फिलहाल जो है अभी मैं कमरे पर हूँ अपने। तो आज हमारा जो है फ्रिज मंगाया है हमने ऑनलाइन, तो नीचे आ गया है तो आपको दिखाता हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत अभी दिन से कर दी है मैंने अचानक। तो दोस्तों नीचे जो है तीन फ्रिज आ गए हैं, तीन हमारे नहीं है, इसमें से हमारा एक फ्रिज है जो कि उतर चुका है नीचे। और यह जो टॉप फ्लोर पर आना, फोर्थ फ्लोर पे यहाँ है हमारा कमरा, तो इधर आने वाला है फ्रिज, तो लेके आ रहे हैं फिलहाल। तो फिलहाल जो है अपना फ्रिज आ रहा है, देख सकते हो आप, और अभी देखते हैं उसको ऊपर आके। इधर आ रहा है अपना फ्रिज, तो यहाँ पर जो अपना फ्रिज है वो है सैमसंग का फ्रिज। तो ज़्यादातर हमारे घर में जो है सैमसंग की चीज़ें पड़ी हैं, सैमसंग के फ़ोन, सैमसंग के फ्रिज, सैमसंग के टीवी। और यहाँ पर जो है अनबॉक्सिंग होने आ रही है, हो सकता है इसमें पत्थर भरे हों, लेकिन देखना पड़ेगा। मैं पत्थर तो नहीं भरा होगा, इससे मैं आइडिया लगा रहा हूँ। नहीं, इस पर फ्रिज ही है और थर्माकोल के साथ एकदम बढ़िया तरीके से रैप होके आ रखा है। और हमारा फ्रिज आ चुका है, तो फ्रिज हमारा कुछ ऐसा है, लेकिन अभी इसका जो लॉक है ना, ये तो ऐसे सिंपल खुलता है। चाबी अंदर है, चाबी इसके भीतर है। और ये देखो यार, लॉक कितना शानदार लग रहा है, लॉक नया लग रहा है फ्रिज में, आजकल नई लॉक आने लग गई है। बड़ा शानदार ही हमारा फ्रिज। तो फ्रिज कुछ ऐसा है जैसा होता है नॉर्मली, कुछ अलग नहीं है, सब ठीक है। बस एकदम जो इसका जो लॉक है वो मेरे को पसंद आया, वो लोग आपको भी ये लॉक जो है आपको भी पसंद आया हुआ, बढ़िया है। ये कबाड़ बहुत ज़्यादा हो गया है, कबाड़ साफ करना पड़ेगा। और इसे जो है अपनी जहाँ इसकी जगहों पर लगाना है इसे लगा लेते हैं। और जो है कुछ नहीं, उसके बाद तो जो है देखते हैं आगे क्या होता है, फिलहाल तो उसको लगा लेते हैं। तो जो है इस फ्रिज की है 10 ईयर की वारंटी, और ये है इसका वारंटी कार्ड, 10 साल की जो है इसकी वारंटी है। और फिलहाल जो है फ्रिज हमने इस जगह पे लगा दिया है, कैसा लग रहा है एक बार बताओ। और इधर जो है कबाड़ बहुत ज़्यादा हो गया, ये कबाड़ साफ़ करना पड़ेगा। और इधर भी ये देखो कबाड़ पड़ा है पूरा, ये कबाड़ को ज़रा साफ़ करते हैं। तो फ्रिज तो बड़ा शानदार सा लग रहा है, और देखो मस्त सा हमारा फ्रिज आ चुका है अपनी जगह पे। और कुछ ऐसा है भाई लुक और नज़ारा, कुछ ऐसा है नज़ारा फ्रिज का। ओए चले इधर मेरे, देख तो दोस्तों अब आपसे हो रही है 4-5 दिन बाद मुलाकात, क्योंकि जो है हमारा नया फ्रिज आया तो मैं उसको ही देखने में व्यस्त था, इसलिए जो है मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं किया क्योंकि नया फ्रिज है, तो उसको ही मैं निहारता रहा। और जो है आज मुझे जाना है घर को, और घर इसलिए आना है क्योंकि मेरा पेपर है, फिर उसके बाद पेपर देने के बाद दोबारा यहाँ आना है। तो फिलहाल तो आज जाना है घर को, और वो जाऊँगा मैं शाम को। फिलहाल तो अभी जो है टाइम जो हो रहा है 5 बज रहे हैं, और 7 या 8 बजे के आसपास जाऊँगा मैं। तो फिलहाल तो जो है ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, और घर को जाना है आज पहाड़ की ओर। तो आज का वेदर देखो कैसा हो रहा है, अभी तक दिन में क्लियर था लेकिन अभी जो है बादल लग गए हैं। और फिलहाल देख सकते हो इधर साइड में कितना सारा रंग पड़ा है, तो होली खेली थी लोगों ने। और फिलहाल तो वेदर कुछ ऐसा है, तो जो है आज थोड़ा गर्मी कम हो जाएगी, 2-4 दिन से गर्मी भी थोड़ा बढ़ गई है। तो फिलहाल तो वेदर कुछ ऐसा है जैसे कि देख सकते हो आप। दोस्तों जो है शाम के 6 बज गए ना, और फिलहाल मौसम देखो कितना ख़तरनाक हो गया, बारिश हो भी गई है हल्का फुल्का, फिलहाल जो है हल्की फुल्की हो रही है। और देखो इधर साइड में हल्का हल्का साफ है, इधर पूरा ब्लैक हो रखा है, देखो कितने ज़्यादा बादल लगे हुए हैं। तो मेरे जाते जाते टाइम बारिश ना हो जाए, तो फिलहाल तो भाई वेदर कुछ ऐसा, और क्या देख सकते हो आप।
तो दोस्तों बाहर जो है झमाझम बारिश होने लगी है और इतना ठंडा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है अब, और एकदम ज़्यादा शांति सी मिल रही है, मतलब शरीर को ठंडक सी मिल रही है। तो फिलहाल तो मौसम एकदम ठंडा सा हो गया है, तो एक दो दिन बारिश रहेगी तो मौसम अच्छा हो जाएगा। तो फिलहाल क्या कहते हैं, कई हफ्तों से ना धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, उस वजह से गर्मी हो रही थी। फिलहाल जो है मौसम एकदम ठंडा हो गया है और बारिश हो रही है, तो जैसी बारिश रुकेगी उसके बाद मैं चलता हूँ। तो निकल पड़े घर की ओर, और अभी जो है बारिश बंद हो गई है, तो फिलहाल तो अंधेरा हो गया है, तो चलते हैं सीधा। तो फिलहाल के टाइम जो है मौसम इतना बढ़िया हो गया ना, अभी बारिश होने के बाद इतना बढ़िया मौसम हो गया, बाहर जाके एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो बढ़िया सा एकदम मस्त मौसम हो गया। चल रहे आगे, और जो है बड़ा ठंडा लग रहा है, जैसे पहाड़ में जितनी ठंड होती है ना उतना अच्छा लग रहा है, उतना बढ़िया सा मौसम हो गया। तो फिलहाल दोस्तों जो है आज हाईवे इतना सुनसान दिख रहा है ना, होली की वजह से जो है इधर क्राउड नहीं है, तो बहुत कम गाड़ियाँ दिख रही हैं। चलिए जितनी रोड चलती है ना उसके मुकाबले बहुत कम गाड़ी चल रही है, और फिलहाल तो ठीक ही, और क्या मतलब ट्रैफिक कम है और होली की वजह से। और बस देखते हैं, क्या पता आनंद विहार में मुझे ना मिले, मेरे को लगता ऐसी राय, क्या पता हो सकता है मिले और क्या पता ना मिले, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं, चलते हैं, ऐसी सुनसान रोड को देख के तो ऐसे ही लग रहा है, गाड़ियाँ मतलब कम चल रही हैं बहुत, ना के बराबर। तो फिलहाल जो है आनंद विहार बस स्टेशन पर पहुँच गए हैं, और चलते हैं अंदर की ओर और मिलते हैं आपको अंदर। तो जल्दी से फ़ोन को छुपा लेते हैं भैया, यहाँ फ़ोन चोरी हो जाते हैं जल्दी, तो संभाल लेते हैं इसको और यहाँ से उतर के चले जाते हैं आगे। तो फिलहाल जो है बस में बैठे हैं और यहाँ पर बैठा हूँ मैं, तो फिलहाल तो बैठे हैं और 8 बजे के आसपास ही चलेगी, तो फिलहाल 7:52 का टाइम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो फिलहाल जो है पहाड़ पहुंच गए हैं। फिलहाल अभी जो है मैं अपनी घर वाली रोड पे चल रहा हूँ पैदल पैदल, और आधे रास्ते में हूँ। तो फिलहाल वेदर कुछ ऐसा और क्या है, कुछ जगहों पे क्लियर है और कुछ जगहों पे जो है बादल लगे हुए हैं, तो रात को बारिश हुई होगी, तो रोड हल्का हल्का गीली भी हो रही है, इधर पीछे साइड भी हो रही है इधर साइड में, तो ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। तो फिलहाल जो है अभी दिन का टाइम है और आसमान में जो है बादल लगे हुए हैं, धूप कभी आ रही है कभी जा रही है, और कभी जो है बारिश का मौसम बन रहा है, तो इधर आके जो है एक अलग ही मौसम देखने को मिला। और फिलहाल तो जो है अभी हमारे जो है गांव में बड़ी सुनसानी सी हो रही है, और फिलहाल तो जो है अभी हल्का सा धूप आ गई है तो अच्छा सा लग रहा है। तो प्लेन से जो है पहाड़ आने में ना एक अलग ही सुकून मिलता है, वहाँ की जो है प्रदूषण वाली हवा से आपको यहाँ की ताजगी भरी हवा देखने को मिलती है, इतना शांत वातावरण, सुंदर वातावरण देखने को मिलता है, हरा भरा अपना पहाड़, तो मतलब यार पहाड़ में आकर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कुल मिला के। तो दिल्ली में मेरे को रहना वैसे ही पसंद नहीं है, तो जाना पड़ता है, मजबूरी की वजह से जाना पड़ता है, और जो लोग जाते हैं वो अपनी मजबूरी की वजह से आते हैं, क्योंकि हर कोई रहना चाहता है पहाड़ में, और तो जिनको जाना पड़ता है वो अपनी मजबूरी की वजह से जाते हैं। तो फिलहाल तो जो है मतलब अच्छा लग रहा है पहाड़ आके ना, मज़ा सा आ गया, वहाँ गर्मी हो रही तो यहाँ तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। तो फिलहाल तो दिन की शुरुआत भी हो चुकी है, तो अभी जो है 4:30 बज चुके हैं, और दिन में तो मौसम ख़राब था, अभी फिलहाल जो है क्लियर हो गया, और आपको वेदर दिखाता हूँ कितना मस्त सा वेदर हो गया अभी। तो वेदर कुछ ऐसा हो गया, पूरा क्लियर हो गया, देख रहे हो, तो बादल लगे हुए थे दिन में लेकिन अभी पूरे हट चुके हैं, और फिलहाल तो जो है अभी जो है धूप ऊपर ही है, क्योंकि सनसेट आजकल देर भी होता है, 6:30 के आसपास में होता है, तो फिलहाल तो अभी 4:30 हो गया टाइम, और धूप इधर आई हुई है, तो अंधेरा देर में होता है, 6:30-7 के बीच होता है अंधेरा, तो दिन बड़े हो चुके हैं, और फिलहाल तो वेदर कुछ ऐसा है, और सुनसानी तो हमेशा यहाँ ऐसी रहती है।